करते नेक्स्ट क्वेश्चन। 1994 में पूछा गया था, टू सेटेलाइट्स ऑफ मास M1 M2, दो सेटेलाइट हैं जिनके मास दे रखे हैं M1 एंड M2। अब यहाँ से ध्यान समझे, अगर इनकी स्पीड कुछ ना कुछ होगी, इनकी स्पीड V1 और इनकी स्पीड V2। ऑब्वियस ही बात है, आपको सर्कुलर मोशन में पढ़ा, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उसको बैलेंस कौन करता है? सेंट्रीपेटल फोर्स। इट मीन्स जो इस पर फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स? G m e m, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर। मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, M1 R1 नहीं लिख रहा हूँ, जनरलाइज में फॉर्मूला लिख रहा हूँ। क्या लिखूँगा? MV² / R। ओके, अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम डायरेक्टली इसको V1 और V2 के रेशियो में निकालेंगे। कैसे? ये देखो, हम इसको इक्वेट करते हैं, इस इक्वेशन को दोनों इक्वेशन से, तो V1 / V2, V1² है, V2² है। ओके, बाकी सारे टर्म आपस में कट जाएंगे, R1 नीचे है, V1 के लिए क्या, R1 ऊपर चला जाएगा। इट मीन्स R2 / R1। ओके, अब अगर V1 V2 निकालना है अपने को, V1 V2 √R2 / R1। ओके, R है, क्योंकि मैं R ऐसे बना देता हूँ, अब सही है, R2 / R1। अब एक चीज़ ध्यान से समझना, अगर नीचे का टर्म, अगर R1 की वैल्यू ज़्यादा हो जाए, इसका मतलब ये हुआ, अगर ये टर्म, तो नेट अगर R2 / R1 देखूँ मैं, R2 / R1 में अगर देखूँ तो क्या बनेगा, R2 / R1 ये वैल्यू कम हो जाएगी। ओके, ए वैल्यू कम है तो इसका अंडर रूट भी ऑब्वियसली कम होगा। अब इसके कम होने की वजह से डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल चूंकि क्या है, V1 / V2, तो V1 / V2 भी कम हो जाएगा। अब V1 / V2 कम कब हो सकता है? जब V2 की वैल्यू बड़ी हो। ओके, जब V2 की वैल्यू बड़ी हो तभी ये कम हो सकता है। इट मीन्स V2 > V1 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन देख ले, V2 > V1, इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। ओके, थैंक यू।